जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों फाइनली स्त्री 2 मूवी सिनेमाज में कल 15 अगस्त से रिलीज होने जा रही है और उसके कुछ प्रीमियर शोज को दोस्तों ऑलरेडी काफी सारी जगहों पे लेट इवनिंग से रिलीज कर दिया गया है। और ऐसा ही एक मौका मुझे मिला एक प्रीमियर शो देखने का, जिसके बाद मैं अब इस मूवी को देख चुका हूं और आपके साथ इस क्विक रिव्यू के जरिए शेयर करने जा रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस स्त्री 2 मूवी को देखकर कैसा रहा। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये वहीं से कहानी जो है स्त्री जहां पे फिनिश हुई थी वहीं से स्त्री 2 की कहानी शुरू होती है, लेकिन कहानी का प्लॉट अलग है, इसलिए आपको स्त्री मूवी देखने की जरूरत नहीं है स्त्री 2 देखने के लिए। लेकिन अगर आपने स्त्री देखी हुई है तो अच्छा है, क्योंकि आपको कैरेक्टर्स के साथ पहले से ही एंगेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि कास्ट इस मूवी की एग्जैक्टली सिमिलर रखी गई है। कुछ एक एडिशन जरूर हुए हैं, लेकिन वैसे इसकी कास्ट जो है वो एब्सोल्युटली सेम है जो आपने स्त्री मूवी में भी देखी थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी ओटीटी पे अवेलेबल है, तो अगर आपने स्त्री नहीं देखी है तो आप स्त्री पहले देख लेंगे और स्त्री 2 देखने आएंगे तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। कहानी अभी भी चंदेरी गांव में ही घूम रही है, लेकिन इस बार रिप्लेसमेंट हो चुकी है एक सरकटे से जो फिलहाल चंदेरी में लेडीज को गायब कर रहा है। और अब फिर से पुरानी टीम मिलके, जिसमें राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी, ये तीनों मिलके वापस किस तरीके से चंदेरी गांव को अब इससे बचाने की कोशिश करते हैं वो आपको इस 2 घंटे 30 मिनट की मूवी में देखने को मिलता है, जहां पर आपको हॉरर ड्रामा के साथ साथ इस बार म्यूजिक और कुछ कुछ स्पेशल अपीयरेंसेस भी देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ डांस का भी और साथ में स्पेशल अपीयरेंसेस का एक तड़का यहां पर लगाया गया है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो इसकी राइटिंग करनी थी वो राजन डीके ने करनी थी, लेकिन वो बाद में हट गई, लेकिन फिर भी इस मूवी की राइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। जो चीजों में ये बेटर करती है स्त्री से वो है दोस्तों कि इसमें प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेटर हो चुकी है पहले से। इसी के साथ जो राइटिंग है इस मूवी की वो बहुत ज्यादा डिसेंट है और यहां पर म्यूजिक को भी स्पेशल फोकस दिया गया है। खास करके इसका दोस्तों जो सपोर्ट मिल रहा है इस मूवी को, क्योंकि 5 लाख टिकटें इसकी ऑलरेडी बिक चुकी हैं एडवांस बुकिंग में, तो डेफिनेटली एक सुपर हिट मूवी होने जा रही है। लेकिन यहां पर क्या ये अपने पहले जो 2018 में स्त्री रिलीज हुई थी उसको बीट करती है, उसकी बराबरी करती है या नहीं, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो दोस्तों जो कुछ आपने स्त्री में देखा था आपको ये जरूर लगेगा कि वैसा ही कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ नए तड़के के साथ। तो यहां पर डेफिनेटली ये 2018 में जो मूवी आई थी उसको स्त्री 2 डेफिनेटली बाय फार बीट करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन क्वालिटी, फोकस ऑन म्यूजिक, राइटिंग एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो कि पहले से हुए हैं, कि जिस तरीके से स्टोरी और स्क्रीन प्ले में चेंज किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का बहुत अच्छा है और ये अच्छा किया है कि बहुत ज्यादा अंधेरे के सीन नहीं रखे गए हैं, थोड़े ब्राइट सीन्स रखे गए हैं, तो और ज्यादा आप उसको एंजॉय करते हैं। ह्यूमर इस मूवी का डेफिनेटली अच्छा है और आपको मजा आएगा इसके ह्यूमर में, और ट्विस्ट एंड टर्न भी इसमें डिसेंट दिए हुए हैं। यहां पर जो रोमांटिक लव स्टोरी थी श्रद्धा कपूर की और राजकुमार राव की, उसे भी कंटिन्यू किया गया है, लेकिन फिर वैसा का वैसे ही एंडिंग रखी गई है ताकि स्त्री 3 भी बनाई जा सके और फिर से इनकी लव स्टोरी को जो कंटिन्यू किया जा सके। तमन्ना भाटी आपको स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी, एक सॉन्ग इनको पहले दिया गया एंट्री के लिए, लेकिन उस सॉन्ग के बाद से ये एक वाइटल कैरेक्टर जरूर प्ले करेंगे और शायद आने वाले सीक्वेंसेस में भी आपको ये देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले इसका अच्छे से बनाया गया है, डिसेंट है और कंपेरेबल है पिछली मूवी से। यहां पर एक्टिंग की जरूर तारीफ करनी होगी, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स ने तो रिवाइव किया ही है इस, जिसमें अभिषेक बैनर्जी हम जानते हैं पिछली बार भी जाना ने जबरदस्त कैरेक्टर निभाया था, राजकुमार राव सुपर्ब लग रहे हैं और इस बार दोस्तों अपार शक्ति खुराना ने भी जो है रोल डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग निभाया है। तो स्ट्रांग एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, स्क्रीन प्ले अच्छा है, म्यूजिक पे फोकस किया गया है, प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है और जो कॉमेडी है इसकी वो कहीं कहीं पे वर्क करती है, हॉरर भी कहीं कहीं पे वर्क करता है, कहीं कहीं मिस भी करता है, लेकिन फिर भी आप इसको डेफिनेटली पूरे तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते, आप इसको देखने के लिए जा सकते हैं और इसको आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें कॉमेडी ह्यूमर को एक नेक्स्ट लेवल देखने की कोशिश की गई है और जो एडवांस बुकिंग हुई है वो डेफिनेटली इस मूवी की वर्थ है जो वेट की गई है, क्योंकि यहां पे आपको इस मूवी को देखने में डेफिनेटली 2.5 घंटे मजा आने वाला है, आप अपना टाइम पास करने वाले हैं। तो ये था क्विक रिव्यू, अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।